हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में, जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने न्यायपालिका के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर के भारतीय संविधान को एक मजबूती प्रदान करते हैं और लोकतंत्र को विकासशील बनाते हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने विधायिका संबंधी जो वीडियो था उसे देख लिया है। इसके साथ साथ जो हमारा कार्यपालिका संबंधी वीडियो था उसे भी हमने देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं जस्ट ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप कार्यपालिका से जुड़े हुए जितने भी पहलू आते हैं, जैसे केंद्रीय कार्यपालिका पर हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो ये चीज़ें हमने देखी थी केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका में। और जो राज्य की कार्यपालिका थी वहाँ हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि को देखा था। तो ये कार्यपालिका के इतने वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आसानी से आप इन्हें देख सकते हैं। वहीं बात करें विधायिका की, तो केंद्रीय स्तर पर हमने संसद को देखा था और संसद के जो दो मुख्य स्तंभ होते हैं विधायिका के, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इसे देखा था। और जब राज्य में आए थे तो इधर हम विधानमंडल कहते हैं, और इस विधानमंडल के दो पार्ट थे जिसे हम लोग देख चुके हैं, विधान परिषद और विधान सभा। तो इस प्रकार से हमने विधायिका के जो मोस्ट ऑफ पार्ट्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। कार्यपालिका के मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से आप उसे देख पाएंगे। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे भी देखें जरूर। तो आइए अब हम आज पढ़ेंगे न्यायपालिका के संबंध में, कैसे हमारे यहाँ की न्यायपालिका कार्य करती है, और फिर बात करेंगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग न्यायपालिका से। तो भारत में न्याय संबंधी कार्य करने का दायित्व न्यायपालिका को प्राप्त है, और इसी कार्य को करने के लिए भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था को अपनाया गया है। एकीकृत से मतलब है ऊपर से स्तर तक एक श्रृंखला में ही न्यायपालिका बनी हुई है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए अलग न्यायपालिका और राज्य सरकार के लिए अलग न्यायपालिका, वास्तव में ये सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह की आकृति में देखा जा सकता है कि सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, द्वितीय स्तर पर हम देखते हैं हाई कोर्ट जो कि उच्च न्यायालय है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, एक ऊपर से नीचे की ओर क्रमागत रूप से ये न्यायपालिका काम करते हैं, जिसे हम एकीकृत न्यायपालिका के रूप में देखते हैं। और यह ऐसी न्यायिक व्यवस्था है जो विश्व की एक सुंदर न्यायिक व्यवस्थाओं में शामिल है, क्योंकि इस पर कार्यपालिका का बहुत कम ही हस्तक्षेप होता है और ये स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका काम कर पाते हैं। तो इस पूरे श्रृंखला में जो सबसे ऊपरी शीर्ष बिंदु पर जो न्यायपालिका है उसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी पर पूरा चैप्टर जो है वो खत्म करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, तीनों का मतलब एक ही है। अब आइए दोस्तों इसके संबंध में कुछ बेसिक चीजें जो हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 टू 147 के बीच किया गया है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भारतीय संविधान में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो भाग 5 में मिलता है और अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में मिलता है। और ये हमारे संविधान में किस प्रकार से समाहित किया गया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 वह प्रावधान है जिसके तहत भारतीय संविधान के लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो इसी भारत शासन अधिनियम के तहत एक व्यवस्था की गई थी संघीय न्यायपालिका की, और इसी संघीय न्यायपालिका की जगह पर जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमें एक
न्यायालय देखने को मिलता है जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो वास्तव में जो ये सर्वोच्च न्यायालय है यह संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। अब ये क्या है तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। इसे भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी उसी संघीय न्यायालय के प्रतिरूप के रूप में स्वतंत्रता के उपरांत हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो ये वास्तव में 1935 के अधिनियमों का ही एक विस्तृत रूप हमारे संविधान में देखने को मिलता है। हालांकि इसकी स्वतंत्रता और अन्य शक्तियां हमने अमेरिका से भी ली है, हालांकि जो मूल चीजें हैं वो हमने 1935 के अधिनियम से स्वीकार किया है। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनका शपथ कैसे होता है, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनके वेतन भत्ते क्या होते हैं और उनकी शक्तियाँ क्या होती है। सभी पार्ट पर बेसिक रूप से समझ बनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से आने वाला एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए उस ओर बढ़ते हैं और हम लोग इसे बेहतर ढंग से समझते हैं। यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन। संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, अर्थात कुल कितने न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय में, 8। यह संविधान के मूल बातों में है, अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय यह प्रावधान रखा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं और 7 अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और कुल टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। लेकिन क्रमशः इनकी संख्या बढ़ती गई और ये बढ़ाने का काम कौन करते हैं, तो संसद द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। और इस क्रम में अगर वर्तमान में आके देखें, जो कि प्रश्न बनता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, तो वहां पे अगर आप आते हैं तो देखते हैं कि एक हमारे मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई है। इस प्रकार टोटल 31 वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। अब ये 31 न्यायाधीशों की संख्या कब की गई, तो 2008 में एक अधिनियम लाया गया, प्रस्ताव लाया गया और 2009 में इसे पास करके इसे लागू कर दिया गया। तो आप याद रख सकते हैं कि 2008-09 में इसे लागू किया गया है। तो वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में अगर देखें तो न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है, 31 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत किया गया है। तो आप इस पॉइंट को आसानी से समझ पाए होंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो है हमारा नियुक्ति। नियुक्ति का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124(2) के तहत किया गया है। और आप लोग पढ़े भी होंगे कई बार कि हमारे जो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न और विवाद शुरू होते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो क्या राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से इसे चुन सकते हैं, या कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य नियुक्तियाँ करते हैं, क्या यहाँ भी वे प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत है। यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्ति तो जरूर करते हैं लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर ही करते हैं। तो भारत उन देशों में शामिल है जहां न्यायाधीश की सलाह पे ही न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब इस व्यवस्था को बाद में चल करके एक डेवलप होकर के एक नई व्यवस्था ने जन्म ली जिसका नाम है कॉलिजियम सिस्टम। ये याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न बनते हैं तथा कई बार ये चर्चा का विषय बनते हैं। ये कॉलिजियम क्या है, कॉलिजियम क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में
एक न्यायाधीश तथा चार अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर 5 सदस्यों वाली एक कॉलेजियम होती है, अर्थात न्यायाधीशों की एक मंडली होती है। उस न्यायाधीश की मंडली द्वारा विभिन्न जजों के नामों की नियुक्ति जो है उस संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है और उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति जो है जजों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार ये सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम कहलाता है, अर्थात कॉलेजियम के सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की। तो यहाँ से दो प्रश्न आपको बन जाएगा, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति किस सिस्टम द्वारा, तो वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम काम कर रहा है। हाल ही में एक चर्चा का विषय ये भी बना था, NJAC नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यह संसद द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से जजों की नियुक्ति के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया था। इसमें बात ये थी कि 6 सदस्य होंगे और इन 6 सदस्यों द्वारा जो नाम सुझाए जाएंगे उन्हें राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेंगे। इसके लिए संसद से इस प्रस्ताव को पारित कराया गया, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों ने जब इस प्रस्ताव को पारित करके सुप्रीम कोर्ट में लेके आए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दृष्टि में इसे खारिज करते हुए असंवैधानिक करार दे दिया। तो अर्थात ये जो पहल थी गवर्नमेंट की, ये पहल समाप्त हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। परिणामतः आज भी अगर देख लें तो भारत में जजों के, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम ही काम कर रहे हैं। तो आप आसानी से समझ पाएंगे NJAC में क्या था कि इसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होने थे, एक जो है वो कानून मंत्री होने थे और 2 विशेष कानून विशेषज्ञ होने थे। और इस प्रकार के ये 6 सदस्य मिल करके जो नाम राष्ट्रपति को सुझाते उन्हें चुनने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन NJAC के जो सिस्टम थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गैर संवैधानिक करार देते हुए इसे समाप्त कर दिया। अर्थात अभी भी कौन सा सिस्टम लागू है, कॉलेजियम सिस्टम लागू है। तो ये 2 पॉइंट आप आसानी से समझ गए होंगे, गठन और नियुक्ति। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं योग्यता। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके संबंध में अनुच्छेद 124(3) में वर्णन किया गया है। और योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए 2 योग्यता होनी चाहिए। प्रथम, भारत का नागरिक हो, यह पहली शर्त है जो सभी में लागू होता है कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है यदि आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं। और दूसरा है, कम से कम किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश अर्थात जज के रूप में कार्य किया हो। तो ये एक दूसरी शर्त में आती है कि यदि आप पहले हाई कोर्ट के जज के रूप में अपने अगर 5 वर्षों तक काम किया है, कम से कम अगर एक हाई कोर्ट में नहीं 2-3 हाई कोर्ट मिला करके भी आपने 5 वर्षों तक जज के रूप में काम किया है तो आपको राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि ये भी क्षमता आप में नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो कम से कम किसी एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष के लिए वकील के रूप में अर्थात अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए। अब अर्थात यहाँ दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना है, याद रखिएगा दोस्तों ये वाला 100% फुलफिल करना है, यहाँ दूसरे में से किसी एक बिंदु को। ये पहला बिंदु कहता है कि हाई कोर्ट में से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश रहे हो। अगर आप वो नहीं है, आप न्यायाधीश नहीं रहे हो, तो क्या होना चाहिए, कम से कम किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील रहे हो। और अभी आपने हाल ही में एक चर्चा सुना होगा कि इंदु मल्होत्रा को जो है वो डायरेक्ट रूप में वकील से हाई सुप्रीम कोर्ट में जज चुना गया है, तो इसी विधि द्वारा चुना गया है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि ये दोनों में से कोई नहीं है तो राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेता हो, अर्थात
कानून का विशेष जानकार हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कानून का बहुत ही बड़ा जानकार है तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे कि क्या होती है योग्यता। योग्यता के लिए बहुत आसान है, आप बिल्कुल सटीके से पढ़े तो याद हो जाएगा। जैसे हमने क्या देखा, सबसे पहला कंडीशन वो भारत के नागरिक हो, ये तो बहुत सिंपल है। अब दूसरे में से इन तीनों बिंदुओं में से अगर कोई भी एक बिंदु वो फॉलो कर रहे हैं तो वो बन सकते हैं। तो पहला बिंदु था कि कम से कम हाई कोर्ट में 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश हो, दूसरा है कम से कम हाई कोर्ट में वो 10 वर्षों के लिए वकील के रूप में कार्य कर चुके हों, और तीसरा है राष्ट्रपति के दृष्टि से वो विधिवेता हो। और इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जा सकते हैं। तो ये था हमारा नागरिक योग्यता संबंधी प्रावधान और इसे हमने बड़ी अच्छी से देखा। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा शपथ, और शपथ के संबंध में आप लोग जानते ही होंगे कि शपथ क्या होता है। शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और देश के लिए कार्य करने के संबंध में शपथ लिया जाता है, जो भी किसी भी बड़े पद के लिए अनिवार्य होता है। तो ऐसे में ही राष्ट्रपति के द्वारा जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो इन्हें भी शपथ ग्रहण करना होता है। और ये शपथ कब ग्रहण करते हैं, तो ये राष्ट्रपति के समक्ष ही ग्रहण करते हैं। तो ये प्रश्न आएगा यदि कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और इसका वर्णन अनुच्छेद 124 के 6 में है। तो 124-6 में शपथ का वर्णन है, जो कि शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब उम्मीद करते हैं ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला पॉइंट, कार्यकाल। कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल के संबंध में जो है हम लोग देखेंगे यहाँ कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। तो आप याद रखेंगे 65 वर्ष आयु तक, 65 वर्ष आयु तक। इसमें मिनिमम एज कैटेगरी की बात नहीं की गई है, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस होल्डर होने के बाद ही आपको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश चुना जाता है। ये मैक्सिमम एज कैटेगरिया की बात की गई है कि यहाँ तक आप न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं, और अगर आप न्यायाधीश के रूप में यहाँ तक कार्य कर पाते हैं तो आपको जो है 65 वर्ष अगर आपकी उम्र पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। इससे पहले भी हट सकते हैं तो वो होता है त्यागपत्र विधि द्वारा। जब आप खुद से त्यागपत्र देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र यदि किसी को सौंपते हैं तो याद रखेंगे त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। वे राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें देखी, योग्यता देखी जो बहुत आसान था, शपथ देखा जो बहुत आसान था राष्ट्रपति को, कार्यकाल देखा जो कि 65 वर्ष आयु पूरे हो जाने तक का इनका कार्यकाल होता है, और त्यागपत्र होता है। ये त्यागपत्र भी वो किसे देते हैं, तो जिनके सम्मुख वो शपथ लेते हैं उन्हीं को वो त्यागपत्र देते हैं, इन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो ले देके जब भी आएगा तो राष्ट्रपति महोदय ही सामने आएंगे और आसानी से आप इसे बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी से जुड़े हुए अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा हटाने की विधि या प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो संविधान के विपरीत हो, जैसे इसमें 2 पॉइंट आता है जो इनके हटाने के लिए कार्य जरूरी होता है। एक है साबित कदाचार का मतलब होता है यदि आपको ये प्रूफ हो जाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, घूस लिया है, या फिर कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो एज ए न्यायाधीश नहीं करना चाहिए, तो वो हो गया साबित कदाचार। और दूसरा में हम लोग आते हैं इसमें देखते हैं, वो है असमर्थता।
यानी आप अपने पद पर कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो दो ऐसे कैटेगरी बनाए गए हैं, साबित कदाचार और असमर्थता। यदि ये दोनों आप में, ये दोनों में से कोई भी एक आप न्यायाधीश के रूप में फुलफिल नहीं करते हैं या फुलफिल कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको उस पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा होती है, और जिस प्रकार से आप राष्ट्रपति पर महाभियोग देखते हैं, लगभग उसी प्रकार की प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाती है। लेकिन संविधान में इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन लगभग लगभग जो प्रोसेस है वो यही होता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है? तो इस प्रोसेस में लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है कि ये न्यायाधीश अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, इन पर इन दोनों में से कोई एक आरोप है और इन पर हटाने संबंधी प्रक्रिया शुरू की जाए। जब लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। यदि कोई समूह, सत्ता पक्ष या विपक्ष, कोई भी प्रस्ताव को यदि लोकसभा में पेश करता है, तो उसके लिए उसके 100 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। और जब राज्यसभा में यही प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। तो दोनों में से किसी में ये प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव पेश करने के बाद जो अध्यक्ष या सभापति महोदय होते हैं, उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं और फिर एक ग्रुप गठित किया जाता है या कमिटी गठित की जाती है, जिसे टास्क दिया जाता है कि चेक करे कि क्या ये वास्तव में जो न्यायाधीश पर ये आरोप लगाया गया है वो कदाचार में लिप्त हैं या नहीं है। और यदि वो अपने रिपोर्ट में ये कहते हैं कि हाँ ये कदाचार में लिप्त थे, तो फिर संसद में इस प्रस्ताव को दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाता है और फाइनली राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और यदि राष्ट्रपति महोदय भी इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह तय हो जाता है कि अब ये उक्त न्यायाधीश अपने पद से हट जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये अनुच्छेद 124 के 4 और 124 के 5 में दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था हटाने संबंधी प्रावधान को लेकर के है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि साबित कदाचार या असमर्थता पर उन्हें हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया ऑलवेज संसद में होगी। यदि लोकसभा में ये हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है, तो 100 सदस्यों का सपोर्ट अनिवार्य है। राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 का अनिवार्य है। यदि यह एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर एक कमिटी गठित होती है। कमिटी ये तय करता है कि इस पर रिपोर्ट जो लाया गया है वो सही है या नहीं है, और यह रिपोर्ट यदि सही साबित हो जाता है तो संसद दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके उस व्यक्ति को उस पद से हटा सकते हैं और फाइनली राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करके उनका वहां से सफाया निश्चित हो जाता है। अब इस प्रोसेस में एक प्रश्न और बनता है कि क्या अभी तक भारत में ऐसा कभी हुआ है? तो एक आप नाम याद रखेंगे, वी रामास्वामी। ये वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के वे न्यायाधीश रहे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में ये प्रस्ताव आया, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ये शुक्र है कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी ऐसे न्यायाधीश नहीं रहे हैं जिन पर इस तरह का जो हटाने संबंधी प्रक्रिया है वो सफल हो पाया है, क्योंकि ये भारत के लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनने लगेगा। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे कि वी रामास्वामी जो है वह एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। यदि चर्चा की बात कर लें, तो हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस इंडिया हैं, उन पर भी महाभियोग संबंधी प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। आपको सुनने में मिला ही होगा, राज्यसभा में लाया गया था, लेकिन वो प्रस्ताव जो है पारित नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो सभापति महोदय हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा, तब तक चर्चा नहीं होगी, कमिटी गठित नहीं होगी, तो राज्यसभा सभापति द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाने के कारण ये प्रस्ताव यहीं पर खारिज हो गया था। तो उम्मीद करते हैं हटाने संबंधी प्रस्ताव भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो हमें पढ़ना है वो है वेतन। वर्तमान में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन की बात करें, तो वेतन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI का वेतन 2,80,000 है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका वेतन 2,50,000 है।
और इसके अलावा आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तो पढ़े ही होंगे, 5 लाख 4 लाख, तो उसी तरह से यहाँ भी आपको याद रखना है CJI का और अन्य जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनके वेतन भत्ते क्या है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब कुछ आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट जो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए हैं। एक वर्ड यूज होता है तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज बोलते हैं इनको, ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तो ये इससे जुड़ा हुआ, ये न्यायाधीश क्या होते हैं, किन कंडीशन में इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में की गई है, लेकिन ये एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। तो यदि सर्वोच्च न्यायालय में गण पूर्ति, जैसे आप लोग पढ़े थे कि लोकसभा राज्यसभा सभी में गण पूर्ति जरूरी होती है जिसे हम लोग कोरम बोलते हैं, तो यदि गण पूर्ति के क्रम में कम हो जाते हैं सदस्य तो ऐसे में हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है एज ए तदर्थ न्यायाधीश काम करने के लिए। तो गण पूर्ति की आवश्यकता के क्रम में ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जगह दी जाती है। इसके लिए पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाता है, फिर राष्ट्रपति को प्रस्तावन भेजा जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको मेन जो यहाँ से प्रश्न आते हैं उसको समझना है कि क्या होते हैं एडहॉक न्यायाधीश। तो जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होती है अर्थात गण पूर्ति पूरा करने में यानी किसी भी पीठ के पूरा करने में यदि सदस्यों की संख्या कम हो रही होती है तो ऐसे में हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है जिसे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है और वैसे न्यायाधीशों को ही क्या कहा जाता है एडहॉक जज या तदर्थ न्यायाधीश। अब एक अगला वर्ड एक और आ जाता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए क्या उपाय किए गए हैं संविधान में, तो आपको पता होगा कि इनको पेंशन वगैरह मिलता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो रही है और जज के ऊपर भार बढ़ रहा है तो ऐसे में ये प्रावधान भी किया गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी, ये अनुच्छेद 128 में इसका वर्णन है और इसका 127 में, याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः रिकॉल करके वापस बुलाया जाता है और एक कार्यकाल के लिए उनको काम दिया जा सकता है, लेकिन ये लघु समय के लिए होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इनको मिलेगा, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो रही होती है। ऐसे में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बुला करके उन्हें कार्य दिया जा सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कम आते हैं, ये वाला एक दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। अब आते हैं हम लोग जो मेन पॉइंट यहां से आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है। चलिए हम लोग थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में बहुत सारी शक्तियां उन्हें प्राप्त है जिसमें से एक दो शक्ति को संबंध में हम लोग देखेंगे। पहला मूल अधिकारिता, इसे प्रारंभिक अधिकारिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। अब इसके तहत क्या होता है, ये संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त मूल अधिकारिता है। इसके तहत तीन तरह की बातें सामने आती हैं। यदि किसी राज्य और भारत के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे कंडीशन में ये केस कहाँ जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में। यदि एक तरफ एक से अधिक राज्यों यानी बहुत सारे राज्य और एक तरफ भारत हो जाए तो इस कंडीशन में यदि विवाद उत्पन्न होता है तब भी यह मुकदमा कहा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। एक तरफ राज्यों का समूह हो और दूसरी तरफ भारत और भारत से ही कुछ राज्य भारत सरकार को सपोर्ट कर रहे हो और यहाँ राज्य हो
तो ऐसे कंडीशन में भी जब मुकदमा दर्ज होगा तो वो कहाँ होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में। बस नोट में ये याद आपको रखना है कि नदी जल विवाद जिसमें राज्य और राज्य के बीच होता है, यहां पर भी याद रखना है कि राज्य और राज्य के बीच भी विवाद होता है किसी मुद्दे पे, तो वो मूल अधिकारिता के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। लेकिन यदि नदी जल विवाद होता है तो इसके लिए विशेष प्रावधान ऑलरेडी संविधान में अनुच्छेद 262 में किया गया है। ऐसे में ये वाला पोर्शन में वो नदी जल विवाद शामिल नहीं होता है। तो मूल अधिकारिता क्या होते हैं कि जब राज्य और राज्यों के बीच विवाद हो या केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो तो वैसे अधिकारिता के तहत वो मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में चलाए जाते हैं और उन मैटर को सुलझाने का जो कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, अनुच्छेद 131। अब आते हैं दूसरे अधिकारिता की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे अधिकारिता में हम लोग देख सकते हैं, एक है रीट अधिकारिता। ये आपने मौलिक अधिकार चैप्टर में भली भांति पढ़ा है कि रीट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, लेकिन यहाँ हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है और इसके माध्यम से वे भारतीय जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जो अधिकार प्राप्त है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रीट अधिकारिता, जो अनुच्छेद 32 के तहत कितने अधिकार प्राप्त है, 5। अब आते हैं तीसरा, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय से क्या मतलब है और अभिलेख न्यायालय क्या होता है, इसका वर्णन जो है वो 129 अनुच्छेद में किया गया है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है दोस्तों, वास्तव में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह निर्णय उसके स्वयं के लिए तथा उसके निचले अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक कानून के समान होता है और यह एक प्रकार से अभिलेख होता है। जैसे निर्णय में जो बातें कही गई है उसे सुरक्षित रख लिया जाता है और आगे आने वाले वैसे ही सेम मुकदमों में हाई कोर्ट एवं जिला कोर्ट उसी विधि को अपनाते हैं जिस विधि को सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था। तो एक प्रकार से यह निचले स्तर के न्यायालयों के लिए जो है वह कानून के रूप में कार्य करता है, इसे ही हम लोग कहते हैं अभिलेख न्यायालय। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर जो है हमारा चौथा। चौथे में हम लोग एक जानते हैं अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय क्या होता है, तो अपीलीय न्यायालय होता है कि आपको पता है कि भारत में जो एकीकृत सिस्टम है इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि किसी व्यक्ति को दोषी माना जाता है तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में फिर सजा सुनाई जाती है तो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपरी स्तर पर स्थित है, इससे ऊपर आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो अपीलीय दृष्टि से ये सबसे ऊपरी न्यायालय है जहां पर आप किसी भी मुकदमे को ले जाकर के अपील कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप सभी मुकदमों को अपील के द्वारा वहां ले जा सकते हैं। इसके लिए कुछ कैटेगरी बनाए गए हैं, उस कैटेगरी को फुलफिल कीजिएगा तभी आप सभी मुकदमों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पांचवें अधिकार को देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। सलाहकारी अधिकार। सलाहकारी अधिकार क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय SC राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं किसी विषय पे तो सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्यीय पीठ तैयार करते हैं, यानी 5 जजों की ग्रुप तैयार होती है और इस ग्रुप द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इस सलाह को राष्ट्रपति माने ही इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है और ये सुप्रीम कोर्ट का पावर भी आपको याद रखना है। अब आते हैं छठे में, ये एक बहुत ही अच्छा है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है,
इसके संबंध में कई आर्टिकल में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद जैसे 32, 137, 13 आदि बहुत सारे अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वह खुद की निर्णय की समीक्षा भी बाद में कर सकता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि पहले बार में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अगली बार में माना कि संविधान का भाग है, तो इस तरह से वो अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकता है। और इसके अलावा यदि कार्यपालिका एवं विधायिका कुछ ऐसे निर्णय देते हैं जो संविधान के विपरीत हैं, जो भारतीय संविधान के मान्यताओं को खंडित करते हैं, तो वह उसकी जांच कर सकता है और उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया था कि एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनाई गई थी और उसका प्रस्ताव जब पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में तो उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। तो ये जो असंवैधानिक उन्होंने कहा था किस शक्ति के तहत कहा था, तो न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के तहत कहा था। तो इस प्रकार से ये शक्ति भी उन्हें प्राप्त है। बात करें अन्य कुछ शक्तियों में, तो अन्य शक्तियों में दो पॉइंट याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। एक, संविधान का व्याख्याता, यानी अगर बात आती है कि संविधान में किसी शब्द की व्याख्या करना है या संविधान के किसी प्रस्ताव किसी भी पॉइंट की विस्तार से व्याख्या करनी है, तो ये व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा संविधान के संरक्षक के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। तो वह संविधान की न केवल व्याख्या करता है बल्कि संविधान को रक्षा भी करता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट होते हैं उसको देखा है। इन शक्तियों को थोड़ा डिटेल में आप समझिएगा। निश्चित रूप से मैंने पॉइंट जो बताए वही है, बस उसको थोड़ा सा और समझ लेने की जरूरत है। फिर मैं इसके ऑब्जेक्टिव डालूंगा, वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन से मुश्किल 4-5 वीडियो बचे हुए हैं जिसे मैं डाल दूंगा, तो आपके एक पोटावोटी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ है वो मजबूत हो जाएंगे। फिर हम लोग अगले पार्ट की ओर आएंगे और उधर से हिस्ट्री तो चल ही रहे हैं, अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों की तैयारी थोड़ी गति में आगे बढ़ सके। उम्मीद करते हैं कि पूरा सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, पूरा सीख गए होंगे और दिमाग में छप गया होगा। अगर नहीं छपा है तो दोबारा देखें, निश्चित रूप से आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। और जब तक याद नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्टिव सही सही नहीं बनेगा। तो पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए समझना और दूसरा उसे याद रखना। तो चलिए दोस्तों, याद कर लेते हैं, इसे बना लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपको आगे बढ़ते हुए देखना। धन्यवाद दोस्तों एडुटेरिया से जुड़ने के लिए, एडुटेरिया फैमिली से जुड़ने के लिए। एक और बात कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल के जो ग्रुप होंगे उन ग्रुप्स में वीडियो के लिंक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी देखने को मिले और एडुटेरिया फैमिली में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।